So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow finding life alone. हम लोग सतना जंक्शन पहुंच चुके हैं. अभी हम लोग की ट्रेन आई यहाँ पे और चल रहे हैं बाहर. चलिए मामा जी आ गए नाना जी नानी लोग को लेने. अब नानी लोग चली जाएंगी मऊगंज और मैं यहाँ पे से निकल जाऊंगी. यहाँ पे से बस आएगी तो मैं निकल जाऊंगा रामनगर के लिए. अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बाहर खड़ा हुआ हूँ रोड के पास और अभी इधर से बस आने वाली थोड़ी देर से हमारी और फिर हम यहाँ से चल देंगे रामनगर के लिए. हमारी बस आ चुकी है, ये सामने रही. हम लोग रामनगर पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं सीधे घर. पापा जी आ गए हमें लेने. हम लोग घर पहुंच चुके हैं. ओए जिनी, ओए हाँ 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 हाँ, चलो अंदर अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो. और सिद्धिविनायक के है, हो गया चेकिंग, हो गई, कर ली चेकिंग, जाए अंदर हम. चलो रास्ते में चलो, चलो आओ अंदर चलो, बस आओ आजो. मम्मी जी बड़ी अपना अभी काम कर रही हैं, किचन वाला, डेली रूटीन वाला. तो हम लोगों ने काफी जगह दर्शन किए, मथुरा, आगरा, वृंदावन, जन्मभूमि साइड, हर जगह दर्शन किए. तो हाँ, काफी ज्यादा हम थक चुके हैं और अभी फिलहाल हम लोग घर पे हैं. तो हाँ, मुझे काफी ज्यादा थकान महसूस हो रही है, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए मेरी. क्योंकि मैं एक दिन में 4 से 5 घंटे ही सो पाता था, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी अपलोड करना होता था, एडिटिंग भी करनी होती. किसी किसी दिन तो मेरे एक दिन में 2 ब्लॉग आ जाते थे. तो हाँ, फिलहाल अभी मैं रेस्ट करता हूँ, आपसे मिलता हूँ शाम के वक्त. तो मैं सुबह के 11 से 12 बजे के बीच में सो गया था और अभी फिलहाल शाम 5 बज चुके हैं और अभी मैं सो के उठा हूँ और आंख मेरी थोड़ा सूजी सूजी लग रही है यहाँ पे और थोड़ा आवाज भी जो है मेरी बैठ चुकी है. तो हाँ, चलते हैं अभी बाहर. चलिए फाइनली इतने दिन की जर्नी के बाद फिर से ये चंगो मंगो मिल गए हैं और जीनी मस्ती के लिए है ना. जीनी आज मेरे को जीनी जब से चेक किए जा रही है. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. गुनेगार समझ रही है वो दिल. अच्छा, मैं क्राइम करके आया हूँ ना जिनी. ना जिनी 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 जिनी. चलो आओ आओ, चलो घूमने चलते. चलो घूमने कह दे कोई तो तुरंत चल देती है. चलो चलो बाहर. ओए जिनी, चलोगे मस्त? कहना क्या चाहते हो? अभी फिलहाल बाहर अंधेरा हो चुका है और मैं पापा जी को लेके जा रहा हूँ एक जन के यहाँ. पापा जी कुछ काम था वहाँ पे. चलिए. पापा जी को मैं यहाँ पे लेके आया हुआ था. उनके गार्डन में काफी अच्छे फूल हैं जो कि आप देख सकते हैं कैमरे में, बहुत सुंदर फूल है. ये मुसुंडा का फूल पूरा पेड़ भरा हुआ है और यह है 10 महीने फूलता है. ये रेड वाले फूल का नाम रुकमणी और जोरा है, मतलब वैसे इंग्लिश में जोरा कहते हैं और हिंदी में रुकमणी कहते हैं. ये पूरा पेड़ भरा हुआ है यहाँ पे. यह है सांवड़ी का फूल, पिंक कलर में बहुत अच्छा लग रहा है. ये अलमंडा का फूल, ये इसकी कली है.
ये रहा नाग चंपा का फूल, व्हाइट व्हाइट कलर का है और इसकी विशेषता ये है कि इसके जो पत्ते हैं ये नाग के फन के जैसे रहते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसलिए इसका नाम पड़ा नाग चंपा। ये है कनेर का फूल, प्लांटेशन किया है और एक ही पेड़ में कई सारे कलर हैं। ये रहा रेड, ये कैमरे में पिंक दिख रहा है और ये है व्हाइट कलर। गुड़हल के ही फूल और एक ही पेड़ में कई सारे कलर हैं, 6 कलर हैं। ये रहा गुलाबी कलर, ये रहा पीला वाला कलर और ये रहा रेड। अभी छोटे छोटे फूल हैं इसमें और कई सारे कलर हैं, वो अभी फूले नहीं है। ये हल्का पिंक है, ये वाला यहाँ पे जो है हल्का पिंक, और कई सारे इसमें फूल हैं, मतलब हैं सारे गुड़हल के ही फूल, ये देख सकते हैं आप, ये सारे गुड़हल के ही फूल हैं। ये है मोगरा का फूल, वाइट वाइट, बहुत सुंदर लग रहा है। ये है कामिनी का पेड़ और इसमें फूल हैं लेकिन ऊपर हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, रात का वक्त है अभी फिलहाल। ये मोर पंखी का पेड़, अभी अभी हम लोग वापस घर को आए और हम लोग जहाँ गए हुए थे वहाँ का गार्डन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के और वो चीजें मैंने आपको दिखाई, शायद आपको भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं और पहले देते हैं शॉर्ट आउट। तो आज का शॉर्ट आउट जाता है अमन जायसवाल जी को, थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।